सब्सक्राइब कीजिए वायरल टेक इंडिया चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम, मैं आप देख रहे हैं वायरल टेक इंडिया। दोस्तों, में से लगभग हर कोई जानता है अगर जियो कोई अपना नया प्रोडक्ट लाता है तो उसमें बड़ा कमाल धमाल कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे में जियो के तरफ से जियो का अगला अपकमिंग प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है, इसका भी लॉन्चिंग डेट कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी इसका लॉन्चिंग डेट कन्फर्म हो जाएगा। प्रोडक्ट जो जियो का आ रहा है, ये है जियो फाइबर नेट। जियो फाइबर नेट है जियो के तरफ से एक ब्रॉडबैंड सर्विस जिसमें आपको डेटा स्पीड मिलेगा अप टू 1 Gbps तक का। तो दोस्तों, ये जियो फाइबर नेट आप कैसे बुक कर सकते हो, जियो फाइबर नेट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, किस किस सिटी में इसका बेनिफिट्स मिल रहा है, सारे जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जियो फाइबर नेट का अवेलेबिलिटी का, तो दोस्तों जियो फाइबर नेट फिलहाल लगभग अराउंड 20 सिटीज में अवेलेबल है एंड जियो फाइबर नेट कंटिन्यूअसली ये चीज इंक्रीज करने का प्लानिंग पर है। तो अभी जो सिटीज अवेलेबल है नॉर्थ में अगर बात किया जाए तो दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, कानपुर, इसके अलावा अगर ईस्ट की बात किया जाए तो कोलकाता, गुवाहाटी, इसके अलावा साउथ की बात किया जाए तो चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अगर वेस्ट की बात किया जाए तो अहमदाबाद, सूरत, इसके अलावा मुंबई, पुणे, अलग अलग सिटीज में टोटल 20 सिटीज में अराउंड जियो फाइबर नेट का सर्विसेज फिलहाल अवेलेबल है। बट क्या सारे सिटीज का हर एक लोकेशन में अवेलेबल है? तो दोस्तों नहीं, अभी फिलहाल हर एक सिटी का हर एक लोकेशन में अवेलेबल नहीं है। यानी जो सिटी का लिस्ट मैंने बताया, जो 20 सिटी है, 20 सिटी में कुछ गिने चुने लोकेशन में सर्विसेस अवेलेबल है। बट अभी रिलायंस जियो के तरफ से कोई प्लान कंफर्म्ड नहीं हुआ है कि आने वाला टाइम में आपको क्या प्लान मिलने वाला है। बट जियो के तरफ से जो टेस्टिंग प्लान लाया गया है वो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि टेस्टिंग प्लान में मिल रहा है 100 GB डेटा एंड इसमें जो स्पीड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी फिलहाल के लिए अप टू 100 Mbps। तो 100 Mbps के हिसाब से आपको डेटा मिल रहा है, 100 GB डेटा आपको मिल रहा है एक महीने का। जैसे ही आप 100 GB डेटा कंज्यूम कर लेंगे दोस्तों, तो आपका जो इसका स्पीड होगा तो कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ होकर कितना होगा? 1 Mbps का हो जाएगा। पर दोस्तों, इसी पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपको इसके बाद 100 GB जैसे ही आप खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको माई जियो एप्लीकेशन ओपन करना होगा। माई जियो एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे या तो जियो का वेबसाइट पे जाना होगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको टॉप अप करने की ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको फ्री में करना है टॉप अप, जिसमें आपको डेली का मिल जाएगा 40 GB डेटा। यानी 30 दिन में आपको मिल जाएगा 1200 GB डेटा एंड साथ साथ में आपको मिल रहा है 100 GB, यानी टोटल अराउंड 1300 GB डेटा आपको मिल रहा है। यानी आपको 1 TB डेटा एक महीने में मिल रहा है एंड अगला 3 महीने तक ये प्लान कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, अगला 3 महीने में अगर जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर से अगला 3 महीने के लिए सेम प्लान को आपको रिन्यू कर दिया जाएगा जियो की तरफ से। अब अगर बात किया जाए कि इस ऑफर को कैसे अवेल करना है, आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका लोकेशन में ये जियो फाइबर का फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है और आपको कैसे बुक करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सावधान रहिए, बहुत सारे वेबसाइट्स जियो फाइबर के नाम पे बनाए जा चुका है जो कि एक्चुअल में फेक वेबसाइट्स है, और इसी तरह का वेबसाइट पे रिलाय मत कीजिएगा एंड कोई भी पेमेंट मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर होगा टोल फ्री नंबर जियो के तरफ से, जो नंबर है 1800-896-9999, आपको इस नंबर पे करना है कॉल। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से जब बात होगा उनसे आपको कुछ डेटा शेयर करना होगा, सच लाइक आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कंप्लीट एड्रेस विथ लैंडमार्क एंड जियो एग्जीक्यूटिव गूगल मैप से वो लोकेट करता है आपका लोकेशन को एंड आपका लोकेशन के आसपास पूछता है क्या ये लोकेशन आपका सही है, तो आप उस टाइम सही लैंडमार्क को चुनिएगा गूगल मैप के अकॉर्डिंगली। गूगल मैप के अकॉर्डिंगली अगर आपका लोकेशन पे जियो फाइबर का फैसिलिटी अवेलेबल है तो विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर जियो फाइबर टीम के तरफ से आपके पास आएगा कॉल, आपके घर पे आएंगे जियो फाइबर का एग्जीक्यूटिव। जब जियो फाइबर का एग्जीक्यूटिव आपके पास आएंगे, आपको
उन्हें हैंड ओवर करना है 4500 रुपीस एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे? तो दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट को पे करने के लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट या तो आपको यूज करना होगा जियो मनी वॉलेट का। इतनी चार पेमेंट मेथड में से किसी भी एक पेमेंट मेथड का यूज करके आप पेमेंट कर पाएंगे। आपको देना है 4500 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि होता है रिफंडेबल, यानी अगर आप कभी भी जियो फाइबर से ऑप्ट आउट कर जाते हो, यानी आप अपना डिवाइस को सबमिट करते हो, तो आपको 4500 रुपीस वापस मिल जाएगा। यानी अभी आपको जियो फाइबर की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस मिल रहा है, आपको बिल्कुल 1 TB डेटा पर मंथ का फ्री में मिल रहा है अगला 3 महीने तक। एंड अगला 3 महीने में भी अगर कमर्शियल लॉन्च नहीं होता है देन ऑल्सो फिर से नेक्स्ट 3 महीने तक का आपको फ्री बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप बहुत ही इजीली बुकिंग करवा सकते हो अपने लिए जियो फाइबर कनेक्शन को, अगर आपका लोकेशन पे जियो फाइबर के फैसिलिटी अवेलेबल है इन दैट सिचुएशन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल वायरल टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्रिपेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है इसको जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।